हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपके प्लांट्स भी हेल्दी होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं अपारिका की बेल के बारे में। तो फ्रेंड्स, हमने पहले पोटेशियम खाद दिया था इसे, केले का छिलका। तो आप देखें, वो बिल्कुल इसमें मिल चुका है, कोई अवशेष उसका बाकी नहीं है। तो फ्रेंड्स, एक बात का हमेशा ध्यान रखें, अपारिका को बेल को ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है, और जब भी दें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही दें। तो फ्रेंड्स, ये बेल हमारे घर के लिए बहुत शुभ होती है, इसकी देखभाल करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखिए, कल इस पे दो फूल खिले थे और काफ़ी सारी कलियाँ भी आप देख रहे हैं इस पर बन रही हैं। उसके बाद केले का फर्टिलाइज़र देने के बाद इस पर बहुत फूल आए। तो आप देख रहे हैं, जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है तो फ्लावरिंग हमारी कम होती जा रही है। तो हमें अब इसे फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत है, जो कि इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, इसे फर्टिलाइज़ करने के लिए मैंने ले लिया चाय की पत्ती, जो यूज़ की हुई चाय की पत्ती है। आपको चाय पत्ती यूज़ की हुई चाय पत्ती को धो लेना है अच्छे से, धोने का ख़ास ख्याल रखना है। और अगर इसमें इलायची है तो आप छोड़ सकते हैं, अदरक है तो उसे निकाल दें, जैसा कि मैं दिखा रही हूँ। और इसे आप एक दो दिन धूप में सुखा लें, जिससे क्या है, ड्राई हो जाए और फंगस ना लगे। अगर गीली छोड़ेंगे तो उससे फफूंदी आ जाती है और फंगस लगने का खतरा बहुत रहता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सूखी हुई चाय की पत्ती है। तो फ्रेंड्स, इसमें बहुत ज़्यादा मिनरल्स होते हैं हमारे पोर प्लांट्स के लिए। तो हमें क्या करना है, इस सूखी हुई चाय की पत्ती लेनी है और इससे मिट्टी में पहले तो प्लांट की अच्छे से गुड़ाई कर लेनी है। गुड़ाई करने के बाद मिट्टी को सॉफ्ट कर लेना है और इसे पौधे की जड़ में डालते हुए मिला देना। थोड़ी ज़्यादा भी हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका क्या फ़ायदा है, अगर आप इसे बरसात में देंगे तो आपके जो प्लांट गमले में कैंचुए उत्पन्न हो जाते हैं, उससे आपको पता है कैंचुआ जो होता है हमारे प्लांट्स का फ्रेंड होता है, मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। तो इसलिए भी हम इसे देते हैं। एक तो गोबर की खाद से कैंचुआ उत्पन्न होता है और एक चाय की पत्ती से भी उत्पन्न होता है। तो फ्रेंड्स, मैंने इसे ये फर्टिलाइज़र दे दिया है, जो क्या सोने से भी ज़्यादा कीमती फर्टिलाइज़र है, और इसे देना बहुत ज़रूरी है। और हमेशा ध्यान रखें कि अपनी अपराजिता को ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही प्रोवाइड करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र इसको ज़रूरत नहीं होती। और सर्दियों में बस इसका ख़ास ख्याल रखने की ज़रूरत है, अच्छी धूप दें और पानी का ध्यान रखें, ओवर वाटरिंग ना करें। सर्दियों में हर प्लांट्स के लिए आपको ये ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना, जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।